जय ब्रह्मदेव, मदद करो ताकि मैं ब्रह्मास्त्र प्राप्त कर सकूं। Hey guys, welcome back to our YouTube channel. और आज हम जा रहे हैं ब्रह्मास्त्र मूवी देखने और अपने नियरेस्ट PVR सिनेमा हॉल में। और एक चीज़ दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखो गाइस, यहाँ बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही है आजकल। दिल्ली के भी मौसम में बदलाव आ ही रहा है, मेरे को लग रहा है दिल्ली के मौसम बदल रहा है गाइस। दो दिन पहले तेज धूप थी, अब बारिश हो रही है, और बारिश इतनी अच्छी हो रही है कि मतलब पानी नहाते वक्त लग रहा था कि पहाड़ का बर्फ़ गिर रहा है मेरे पे। गाइस, एक अनोखी लाल सक्सेना का भाई है मेरे ख्याल से, कभी उसका कॉलेज का मन होता है, कभी मूवी का होता है, अब पता नहीं अभी फिर से कहीं मूड ना बदल जाए इसका। गाइस देखते हैं गाइस, अभी तो कॉलेज, फिर हम कॉलेज तो आज है ही नहीं हमारा, फिर हम जा ही रहे हैं PVR जाएंगे, अब देखते हैं ब्रह्मास्त्र कैसी है। रिव्यू ठीक ठाक ही मिल रहे हैं उसको भी, तो जाते हैं हम अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि ब्रह्मास्त्र कैसी है। और आपको कुछ बोलना है? नहीं, ये जैपनीज हीरो है, इसको रहने दो, जैपनीज कार्टून नहीं होते। डोरेमोन गाइस, बारिश हो रही है बहुत तेज़, और हम लोग PVR के लिए जा ही रहे हैं, बस आगे आने वाला है PVR। अभी हमने यहाँ से रिक्शा लिया था, और कैमरा क्वालिटी हाँ ठीक ही है ना। उसके बाद बारिश बहुत तेज़ हो रही है यहाँ पर, अभी थोड़ा सा धीरे हुई थी और आराम चली, और पूरे जूते गंदे हुए। और बस PVR जाके हम देखते हैं ब्रह्मास्त्र कैसी है हमारी। पेड़ कितना अच्छा लग रहा है गाइस, ये देखो। सो गाइस, अदित्य अभी टिकट लेने गया अपनी, और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, वेट कर रहा हूँ उसका। एक दो साल के बाद जब आओ तो पूरा गैप कितना चेंज लगता है PVR में आके। ये थैंक्स गॉड का, हाँ बढ़िया बढ़िया। और ये चुप का ट्रेलर का, सॉरी पोस्टर। हिंदुस्तान, पता नहीं कौन सी मूवीज आ रही है। धोखा का तो मैंने ट्रेलर देखा था, और विक्रम वेदा। ये मूवी देखते हैं हिट होगी या सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर, देखते हैं क्या होता है। तो हमने अपनी टिकट, अदिति ने टिकट ले लिया, तो हम बस अंदर जाने वाले हैं, देखते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि कैसा लगता है ब्रह्मास्त्र पे, है ना। यस गाइस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलते हैं फिर। बस दो मिनट के बाद हमारी गेम को कहते हैं हमारी मूवी स्टार्ट होने वाली है। बहुत एक्साइटेड गाइस। और ये रहा हमारा पोस्टर मूवी का। ब्रह्मास्त्र भाई, तो चलो फिर चलते हैं। ब्रह्मास्त्र यार एक नंबर, जैसे कहते हैं ना एक नंबर होती है, ये तो दो बार ही देख चुका है, तीसरी बार देखने जाएगा उसका अगले हफ्ते अपनी बंदी के साथ। लेकिन क्या कहते हैं, मूवी एक नंबर थी, एक नंबर। फर्स्ट हाफ जो बोलोगे ना, वाह निकलेगी वाह, एवेंजर्स को बीट कर दिया ग्राफिक में, तो इतना अच्छा लग रहा है। अगर आप नेगेटिविटी कुछ मत सुनना यूट्यूब से, आप मूवी आके खुद एक्सपीरियंस करिए PVR में। मैं खुद दो तीन साल बाद आया हूँ, और ये तो आते रहता था हर साल में, 25-30 बार। हाँ भाई, जो मूवी मेरे को लगी ना ब्रह्मास्त्र एक्सपेक्ट था, उससे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा मुझे मूवी। जैसे आपने बाहुबली देखी होगी, तो आपको बाहुबली 2 का वेट था, इसका ब्रह्मास्त्र 2 का वेट होगा, तो चाहता हूँ जल्दी से आ जाए। लेकिन मूवी एक नंबर थी, एक नंबर। मैं सोचा था फर्स्ट हाफ जब हमें ब्रेक मिला तो वहाँ पर आगे बढ़ पाए, नहीं बना पाए, इतना क्रेज चढ़ गया था मूवी का। और मूवी एक नंबर, एक नंबर एक्टिंग करी है सबने, और ग्राफिक्स एक नंबर। और ऐसी मूवी इंडिया में बनती रहे, मज़ा आ जाएगा, हर दिन जाएंगे मूवी देखने।
सो गाइस आप आइए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ और इंजॉय करिए मूवी। एक नंबर है मूवी, एक नाइट मूवी, एक एक नंबर है। सारे पार्ट शाहरुख खान का, नागी अर्जुन का, और क्या नाम है, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, सब ने अच्छी एक्टिंग करी, सब ने। फर्स्ट हाफ तो मेरा दिल ले गया। और अब देखते हैं, आगे जाते हैं, मूवी आप जरूर देखना, मैं जरूर कह रहा हूँ। तो गाइस आदित्य को मैं थैंक यू करना चाहता हूँ। हमारा प्लान तो कुतुब मीनार का था वैसे जाने का, तो फिर हमने चेंज कर दिया ब्रह्मास्त्र देखने का। फिर ये सेकंड टाइम देखा मैंने, फर्स्ट टाइम देख के मज़ा आ गया। और इतना इसको बोलना पड़ा है, समझता नहीं साला। मैं जाता नहीं था मतलब पीवीआर वीआर ज़्यादा इतना, लेकिन अब गया तो मज़ा ही आ गया देख के पिक्चर। और फिर उसके बाद कुतुब मीनार का ब्लॉग भी हम सोच रहे अगले हफ्ते ले लेंगे, क्योंकि अपना काम ज़रूरी होता है। उसके बाद और जो वीडियो में हमारी वीडियो में अगर आप जो क्वालिटी देखोगे, क्योंकि क्वालिटी थोड़ी बेकार आएगी, क्योंकि हमने वो 3D ग्लासेस में देखा है, तो 3D ग्लासेस में अगर आप हटा दोगे तो क्वालिटी अच्छी नहीं दिखेगी। इसलिए फोटो और वीडियो में इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आ रही, वरना क्वालिटी उसकी बहुत हाई ग्राफिक है। और मूवी मज़ा आ गया, 5 में से 5 स्टार देना चाहता हूँ। तू कितने देगा? 5.5। इसके अलग ही है, 5.5 अलग ही है। ये तो ये भी बोल दे मैं ब्रह्मास्त्र 10 देख के आया हूँ। तो एनीवेज गाइस, आई एंजॉय द मूवी, आप सब भी देखिए। तो गाइस अगर जिसने वैसे मूवी देखी है और जो हमारी ये वीडियो देख रहा है, वो कमेंट में ज़रूर होता है देव कौन हो सकता है। सो गाइस हम लोग को कोई ब्रह्मास्त्र वाले ने पैसे ऐसे नहीं दिए कि पेड करे कि हम अच्छी बातें बोले। हमने अपना पर्सनल ओपिनियन बताया, आपने देखा, हमने पूरी वीडियो देखने गए थे, टिकट बाय करी, हमने अपना पर्सनल व्यू बताया और हमने बिल्कुल सच व्यू बताया। अब आप पे डिपेंड करता है आपको मूवी कैसी लगती है, सबका पर्सपेक्टिव अलग होता है। तो फिर आपको कुछ बोलना है? नहीं। चलो फिर गाइस, थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि बारिश बहुत हुई थी दिल्ली में, हम तब भी गए थे वीडियो बनाने। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरी, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन भी।